सेक्स पॉजिटिविटी क्या है, इसके बारे में आज बातचीत करता हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। सेक्स पॉजिटिविटी क्या है, इसके बारे में लोग पूछते रहते हैं, और वैसे भी हम जब लोग कहीं बैठते हैं तो लोग सेक्स के बारे में बातें करना चालू कर देते हैं। तो भी सवाल ये उठता है कि ऐसी बातें करना ठीक है क्या, ये अलाउड है क्या, इसमें शर्मिला महसूस करना होता है या लोग शर्मिले हो जाते हैं, मतलब क्या है क्या। तो सेक्स पॉजिटिविटी इसका मतलब ऐसा होता है कि आप सेक्स के बारे में अच्छी भाषा में, गंदी भाषा में नहीं, अच्छी भाषा में खुले दिल से चर्चा कर रहे हो, और एक देखने का नजरिया है सेक्स की तरफ कि वो अच्छा है, वो कि शर्मनाक चीज नहीं है, अच्छा है, और एक एजुकेशन सेक्स के बारे में अच्छा है, एजुकेट करना चाहिए, उसके बारे में बातचीत करना चाहिए, अच्छा सेक्स क्या है, सेटिस्फाई कैसे करना, मतलब ऐसे अच्छे दिल से आप बात कर रहे हैं, कोई भी वल्गर लैंग्वेज नहीं है, और उसमें चर्चा करके आप वो प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं किसके साथ में, दोस्तों के साथ में डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि आप सेक्स पॉजिटिव है। नहीं तो हमारे इसमें क्या होता है कि नहीं नहीं सेक्स के बारे में बात नहीं करना, ये बहुत शर्मनाक चीज़ है, नहीं नहीं वो चुपचाप रहो, फिर कहीं से तभी पढ़ो, कोई किताबें निकालो वहाँ से पढ़ो, मतलब ऐसे आधा अधूरे इन्फॉर्मेशन ले लो, उससे अच्छा है कि भाई आप साइंटिफिक नॉलेज लेते हो, आपका देखने का नजरिया अच्छा है, और आप साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन लेते हो, उसके बारे में बात करते हो, सेक्स एजुकेशन लेते हो। सेक्स पॉजिटिव फैमिली क्या है, सेक्स पॉजिटिव फैमिली ऐसी होती है कि आप अपने बच्चों को भी सिखाते हैं सेक्स के बारे में, ऐसा नहीं कि उसमें भी शर्म वाली बात या वो गंदा है, बात मत करो, बोलो मत, ऐसा भी नहीं है, भाई सेक्स के बारे में बातचीत करना, बच्चों को सिखाना, बच्चों को एजुकेट करना। और हमारे अभी कल्चर में अभी भी ऐसा है कि नहीं नहीं सेक्स मतलब गंदा है, उसके बारे में बातचीत नहीं करना चाहिए। अभी हमारे देश में ऐसी स्कूल्स है कि जहाँ सेक्स एजुकेशन दिया जाता है और बच्चों को सिखाया जाता है। मेरा तो ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि 12 साल के बाद में बच्चों को सिखाना चाहिए, सेक्स एजुकेशन देना चाहिए, ताकि उनको एक्चुअली इधर उधर से इन्फॉर्मेशन न लेते हुए ऑथेंटिक साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन उनको होंगी, इसलिए आपने सेक्स पॉजिटिव होना जरूरी है। सेक्स पॉजिटिव यही बोलती है कि आप पॉजिटिव हो सेक्स के चर्चा के बारे में, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप सेक्सी हो, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सेक्स करने की इच्छा है, ऐसा कुछ भी उसका मतलब होता नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको सेक्स पॉजिटिविटी है, मतलब सेक्स पॉजिटिव हो और आप सेक्स नहीं करने में इंटरेस्ट हो, और दूसरा आप बिल्कुल ही सेक्स करने में इंटरेस्ट बहुत है मगर आप सेक्स के बारे में बात करना नहीं चाहते हो, दोनों भी पॉसिबल है। तो सेक्स पॉजिटिविटी होना चाहिए, सेक्स एजुकेशन होना चाहिए, जिससे काफ़ी सारी गलत फहमियाँ जो है वो दूर हो जाएंगी और लोग अच्छा सेक्स लाइफ जी सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।